कहाँ वहाँ क्या कर रहे हो टप्पू? क्या हुआ, क्या हो गया ये टप्पू जो ऐसी हरकतें क्यों करे भाई? अरे भैया फैन है तो करेंगे ही। किसके फैन हो? टप्पू। हाँ तो मतलब तारक मेहता देखते हो आप? बहुत बहुत। क्यों क्यों उतना देखते हो? अरे इतना कॉमेडी होता है उसमें। हाँ। बहुत सारी चीजें टप्पू। अरे बाप रे बाप। हाँ। इतना मजा आता है। हाँ। कि अभी लेकिन अभी तो टप्पू चेंज हो गया, पहले का टप्पू की अभी का टप्पू? अरे पहले का टप्पू। अभी 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 बकवास, पूरा बकवास हो गया है। क्यों? अभी आप देखोगे अभी एक्टिंग वैक्टिंग एकदम खराब है। हाँ। जो पुराने लोग थे। हाँ। जैसे जेठालाल वो पुराने अभी, लेकिन जो उनका पुराना एक्टिंग था वो बहुत ही जबरदस्त था। तो क्या क्या मांग करना चाहेंगे असित मोदी से फिर से आप? पुराने कैरेक्टर वापस लाओ, पुराने टप्पू, स्पेशली पुराने टप्पू वापस लाओ। हाँ। क्योंकि इतना बड़ा फैन हूँ उनका कि अभी तो आईपीएल चालू है तो अभी तो मैं 11 बजे से जो रिपीट टेलीकास्ट आता है वही देखता हूँ, क्योंकि अभी तो बकवास हो गया है, देख के भी कुछ फायदा नहीं। आईपीएल देख रहे हो? तारक मेहता नहीं देखते हो? अरे बहुत बकवास हो गया अभी वो। क्यों? मजा नहीं आ रहा देखने के लिए। पहले बहुत अच्छा था, अभी बहुत अलग कर दिया पूरा। लेकिन क्या मतलब जो कैरेक्टर चेंज हुआ है या फिर जो सीन्स वगैरह आते हैं जो भी है, मतलब सीन के वजह से हम लोग को स्टोरी अच्छी नहीं है क्या? पहले स्टोरी अच्छी नहीं बिल्कुल। आपका वही रिपीटेड कैरेक्टर वापस आ रहे हैं, वही सेम स्टोरी रिपीट कर रहे हैं हर बार। इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है उसमें देखने के लिए। नहीं एक्चुअली सच है कि टप्पू चेंज हो गया, मेन तो फिर तारक मेहता ही चेंज हो गया। मेन तो शो था कि तारक मेहता गोल्डन चश्मा, जो मेन लीड थे तारक मेहता, वो भी चेंज हो गए। सो वो भी एक था, फिर दया भी नहीं है, एब्सेंट दया भी एब्सेंट है, बाकी बहुत सारे जो भी है सब। तो मे बी अब वो मजा नहीं रहा है देखने। तो क्या चाहते हैं शैलेश लोढ़ा या जो पहले के जो किरदार थे कैरेक्टर तो वापस? पुराने कैरेक्टर थे जो ओल्ड इज गोल्ड जो कहते हैं ना, वही सबसे बेस्ट। तो पहले वाला तारक मेहता फिर से देखना चाहते हैं? ये नए वाले में मजा नहीं है। पहले वाला एकदम बढ़िया था। मैं तो अभी भी पहले वाले, मैं तो बार बार देखता रिवाइंड। पहले आदत थी हम लोग की खाना खाओ तो तारक मेहता लगा के देखो, लेकिन ओल्ड एपिसोड, लेकिन अब नया एपिसोड देखने का मन ही नहीं करता। तो असित मोदी जो प्रोड्यूसर है डायरेक्टर है वो तारक मेहता को, उसे क्या मांग करना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट है? यही कुछ नया कंटेंट लाए, वही चीज बार बार रिपीट ना करें और जो कैरेक्टर थे उनको वापस से लाया जाए। जी सर, आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं? हाँ देखते हैं, कोई हर कोई देखता है वो तो। क्यों इतना पसंद है आपको? वो तो बचपन से देखते आ रहे इसलिए इतना पसंद है अभी जी। हाँ, और आप सर क्या पूछ रहा है तारक मेहता के बारे में? अच्छा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ बचपन से देखते आ रहा हूँ, जेठालाल मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। हाँ तो उसके अलावा और कौन अच्छा लगता है आपको? जैसे दिलीप जोशी जो जेठालाल हो गए, आत्माराम भिड़े हो गए, ये फेवरेट कैरेक्टर थे। जेठालाल और आत्माराम भिड़े की जो चुगलबंदी है वो काफी पसंद आती है। अगर आप देखोगे जेठालाल का जो एक्सप्रेशन है काफी ज्यादा एक्साइटेड लगता है। लेकिन अभी लोग ये कहने लगे कि जो पहले जो स्टोरीज रहती थी, जो कैरेक्टर रहते थे, वो जितना ज्यादा मजा देते थे, अब वो बात नहीं रह गई, ऐसा मानते हैं आप? अभी तो शायद राइटर भी चेंज हो गया तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो अब इतना मजा नहीं आ रहा है उनमें, प्रॉपर इफेक्ट नहीं आ रहा, नेचुरल इफेक्ट नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। आप मिस करते हैं शैलेश लोढ़ा को, जो उनका किरदार था? वो जो शायरी वायरी बोलते थे वो सब उनका अच्छा लगता था, लेकिन अभी वो भी चेंज हो गया, इतना खास नहीं लगता। और जो नया टप्पू आया वो? नहीं वो भी पुराना टप्पू ही सही था, जो मतलब क्रिकेट शॉट भी इतने अच्छे अच्छे खेलता था, अभी चेंज हो गया, अभी इतना खास नहीं लगता वो भी। सोसाइटी में तो लोग कॉपी भी करते थे जो ज्यादातर सोसाइटी में, आप लोग भी कॉपी करते थे टप्पू का? हाँ करते थे, मैं और मेरे दोस्त सब लोग, हम लोग खेलते थे साथ में, ऐसे ही सोचते थे कि ऐसे ही खेलेंगे जी। तो आप बताइए। हाँ देखता था काफी, जैसे उनका कोई जीपीएल होता था गोकुलधाम प्रीमियर लीग, वो टाइम पे मैं देखा करता था। ये उन दिनों की बात है जब मैं ज्यादा देखा करता था, अभी तो कैरेक्टर चेंज हो गए, अब तो उतना देखता नहीं हूँ मैं, क्योंकि अब पसंद नहीं आता। तो प्रोड्यूसर से जो इसके डायरेक्टर असित मोदी, उससे क्या मांग करना चाहेंगे? मांग यही है कि जैसे दया बेन को ला दो या पुराने जितने कैरेक्टर थे वो आप इससे कोलैबोरेशन कर ले तो थोड़ा और मजा आ जाएगा। वही दया बेन को ला दो, उनको तो अभी मतलब निकाली, शैलेश लोढ़ा को भी वापस ला दें। हाँ उनको भी ला ही दीजिए। अब तारक मेहता देखते हैं आप? जी बिल्कुल देखता हूँ, कौन नहीं देखता जी। तो लेकिन मजा आता है पहले जैसा आपको? जैसा हमने सुना है बहुत सारे कैरेक्टर चेंज हो गए, जिसके बाद जो चार्म था तारक मेहता का, जो मजेदार कॉमेडी आती थी, वो थोड़ा फीका हो गया है, क्या मानते हैं? जी बिल्कुल फीका हो गया है, क्योंकि कैरेक्टर सब चेंज हो गए हैं। और सबसे पहले जब जो कैरेक्टर चेंज हुआ था, जिससे ज्यादा हम लोग को असर पड़ा था, वो था दया भाई का कैरेक्टर। उनके जाने के बाद में तो फिर भी कुछ कैरेक्टर्स थे पुराने जो हम लोग देखते थे, लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि पूरा ये कैरेक्टर्स नए आ गए हैं और उनमें मजा नहीं रहा।
एक दिलीप जोशी बचे हुए हैं और उनके पिताजी और एक दो कैरेक्टर हैं जिनकी वजह से हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं कभी कभार, नहीं तो रिपीट टेलीकास्ट ही चलता है खाना खाने के टाइम पे। जो शैलेश लोढ़ा का किरदार निभा रहे हैं वो ज्यादा मजा देते हैं तारक मेहता के रूप में? बिल्कुल बिल्कुल, वो जो थे उनका इम्पैक्ट ही अलग था शो में, लेकिन वो जब से गए तब से और देखने का मन ही नहीं करता। नया वाले, जो नए वाले हैं उतना मजा नहीं आता? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी मजा नहीं आता। वो हो गए, सोड़ी हो गए और अभी टप्पू भी, मैं सुना कि कोई और भी चेंज हो गया है, तो नहीं मजा नहीं आता। क्या देखना चाहते हैं आशिक मोदी से, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आप? अगर आशिक मोदी तक मेरी तक बात पहुंचा सकते हैं तो उनको बोलिए सबसे पहले दया भाभी को लाएं, पुराने सोड़ी को लेके आए, पुराने शैलेश लोढ़ा को लेके आए, ये सब जो भी पुराने कैरेक्टर्स उनको वापस लेके आए, ताकि हम लोग फिर से पुराने दिन याद करके वापस से उसी तरह एंटरटेन हो, क्योंकि अब इतना मजा आने नहीं लगा है, स्टोरी भी वही घिसी पिटी सी रहती है तो देखने का मन नहीं करता। लेकिन जो पुराने कैरेक्टर्स है वो स्टोरी चाहे जैसे भी हो वो जान ला देते थे कैरेक्टर में और उनको देखने में बहुत ही मजा आता था। लेकिन अब देख सकते मेरी हालत, दाढ़ी वाड़ी मैं छोड़ दिया हूँ देखना, सब हालत देखिए मन नहीं करता अब तारक मेहता बिल्कुल देखने का, देखते हैं तो सिर्फ रिपीट टेलीकास्ट। जी सर, आप तारक मेहता देखते हैं? हाँ जी, बचपन से ही देख रहे हैं हम तो। जी तो कैसा लगता है तारक मेहता आप अभी? पहले तो बहुत मजा आता था, हम पूरी फैमिली बैठ के जब शाम को खाना खाते थे तो पूरी फैमिली बैठ के तारक मेहता देखते थे, लेकिन अब वो मजा नहीं रहा जो पहले रहता था। क्यों मजा नहीं रहा, क्या वजह? अभी कैसा है सारे कैरेक्टर चेंज हो गए, दया भी कुछ 2019 से गायब है, दया आ भी नहीं रही है, पहले दया तो एक कॉमेडी का सहारा था, जैसे अभी बहुत सारे कैरेक्टर चेंज हो गए, टप्पू हो गया, मेहता हो गया, फिर हाथी भाई का तो पता ही है उनको तो करना ही था, फिर अंजलि भाभी हो गई, सब चेंज हो गए, अभी वो मजा नहीं रहा जो पहले था। तो आप इनको तारक मेहता जो थे शैलेश लोढ़ा उनको बहुत मिस करते हैं क्या? जी बहुत बहुत, वो तो फेवरेट थे। और ये जो नया वाला है वो? जी अभी सूट नहीं हो रहे हो, जैसा अभी चेहरा कैसा होता है आँख को एक की नजर में आते तो चेहरा आँख में बैठ जाता है, तो अभी वो नहीं हो रहा है आँखों। और जो नया टप्पू आया वो? वो तो क्या बताए अभी उसके बारे में, हम नहीं पसंद आ रहा है। बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, टप्पू भी बार बार चेंज हो रहा है, एक तो रखना चाहिए कैरेक्टर की हमें समझे। और वो जो अभी कहानियां बनती है, हम जो भी किरदार बनते हैं कॉमेडी के लिए, वो उसमें उतना मजा आता जो पहले आता था? पहले नेचुरल रहता था, अभी वो मजा नहीं आ रहा है जो पहले आ रहा था। तो क्या चाहते हैं आप प्रोड्यूसर से या जो डायरेक्टर आशिक मोदी से, क्या चाहते हैं आप? राय तो करना चाहिए कि जो पहले के कैरेक्टर है वो लाया जाए और पुराना जो ऐसे बनाया करते थे उस टाइप से बनाया जाए।